के लिए दोनों ही पहलवान तैयार। रेफरी द्वारा कुश्ती की शुरुआत कर दी गई है। मोहम्मद इनाम जो हैं फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की क्रिकेटर बिस्मा मारूफ के साथ। दो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। लेकिन दीपक पुनिया, इनकी हालिया फॉर्म कैसी है कृपा जी? बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है दीपक पुनिया अगर शुरुआती दौर से ही यानी लगातार चलते रहेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं दीपक पुनिया। ये झटका दिखाता है दीपक पुनिया का पहला ही झटका, जिसमें गदड़ से लंबे पड़ गए लेकिन उतनी ही चपलता से पाकिस्तान के पहलवान खड़े भी हो गए। तो ये फिटनेस दिखाती है दोनों ही पहलवानों की कि किस लेवल की ये कुश्ती हो रही है। भारत और पाकिस्तान का फाइनल है, स्टेडियम में समर्थन पूरी तरह से दीपक पुनिया के साथ है। मोहम्मद इनाम एक बेहतरीन पहलवान जरूर हैं, अनुभवी हैं, और सही मायने में ये अनुभव और युवा जोश का मुकाबला है। बिल्कुल सही कहा तनेजा, क्योंकि ये जो मुकाबला है बहुत ही अहम है दीपक पुनिया के लिए। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा, ये कह सकते हम, और लगातार प्रयास करते रहेंगे दीपक पुनिया तो पाकिस्तानी पहलवान को छकाने में कामयाब होंगे, ऐसा उनके कोच से जैसे मेरी बात हुई है। फाइनल कुश्ती मुकाबले के दौरान अभी जब ब्रेक हुआ था तो उन्होंने कहा था, हमने दीपक को यही बताया है कि वो लगातार प्रहार करते रहे, इसीलिए मैंने ये बात स्टूडियो में नहीं कही क्योंकि पाकिस्तानी पहलवान के पास ना पहुंच जाए। बिल्कुल, कुछ अस्त्र शस्त्र है छुपा के रखने पड़ते हैं। कृपा जी ने बिल्कुल सही टाइम पे वो अस्त्र निकाला है। अभी तक किसी को पॉइंट नहीं, दीपक क्या पहला पॉइंट, क्या ये टेक डाउन सही माना जाएगा? इनाम पैसिव डिक्लेयर किए गए थे, थम्स अप मिला है भारत को, पहला पॉइंट मिला है भारत को। और अगर 20 सेकंड और हो जाएंगे तो पर मैं समझता हूं ये दो अंकों की बढ़त पर्याप्त नहीं है दीपक पुनिया को, और अंक इतने बटोर ले कि आगे के जो 3 मिनट है उसमें भी पाकिस्तानी पहलवान के होश उड़ा देने चाहिए क्योंकि स्टेमिना कम है। बिल्कुल, स्टेमिना दीपक में ज्यादा है क्योंकि ज्यादा। ओहो, ये मूव किसके पक्ष में जाने वाला है? टाइम निकल चुका है, उठना पड़ेगा दोनों पहलवानों को। करीबी मुकाबला, लो स्कोरिंग फाइनल, लेकिन दीपक पुनिया ने एक एक करके दो अंक बटोरे और 2-0 से आगे हैं अपने से कहीं अनुभवी इनाम के सामने। मोहम्मद इनाम बट पाकिस्तानी पहलवान, बहुत अच्छी टांग लगाई थी लेकिन उतना ही खूबसूरती से उसकी काट की है, और ये देखिए रेड जोन से बाहर गया। यहाँ निश्चित रूप से 2 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन भारतीय कोच ने भी चैलेंज नहीं किया, शायद इसलिए नहीं किया कि कुश्ती के शुरुआती दौर में ये हो गया, चैलेंज लॉस ना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चैलेंज नहीं भी करते हैं। बिल्कुल, 2 पॉइंट की लीड घट के 1 की भी रह सकती थी अगर चैलेंज का फैसला दीपक के विरोध में आता तो। चलिए, भारत के फिलहाल गोल्ड मेडल हैं 8, यहाँ जीते रेफरी के हाथ में होता है और उसी हाथ को आगे के करके बताया जाता है क्योंकि इतनी आवाज में सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन हाथ रेंज किया उससे पता चल जाता है कि आप भागिए मत। और फिर से ग्रिप बनाने की कोशिश डिफेंस ही कर रहे हैं मोहम्मद इनाम अब तक तो। दीपक अगर बाहर ले गए तो 1 पॉइंट मिलेगा, क्या बाहर गए जी नहीं, और काउंटर अटैक, वापस आइए, 1 पॉइंट और मिला है दीपक को क्योंकि रेफरी के अनुसार मोहम्मद इनाम बट स्टैंडिंग पोजीशन से ऑरेंज पट्टी से बाहर निकल गए थे। पर यहाँ पे इनाम बट नाखुश नजर आ रहे हैं कि ये पॉइंट गलत दे दिया गया। लेकिन अभी भी 1 मिनट है, क्या इनाम वापसी कर सकते हैं या नवा गोल्ड मेडल दीपक लाने वाले हैं? कृपा जी ने कहा है बिल्कुल आएगा गोल्ड मेडल, पूरा भारत कह रहा है कि गोल्ड मेडल आए दीपक पुनिया के इनाम ने, और इस बार दीपक बचे हैं, बस 20 सेकंड और बाकी हैं। इनाम अब डेस्परेट हो रहे हैं कि एक मूव लगाएं, पर दीपक मूव नहीं लगाने दे रहे। दीपक के पास कंट्रोल है, दीपक पुनिया के पास भारत का समर्थन है, और अब दीपक पुनिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी है। 3-0 से दीपक पुनिया ने भारत को रेसलिंग का 3रा गोल्ड मेडल दिलवाया है और ओवरऑल टैली में नवा गोल्ड मेडल जुड़ गया है भारत के खाते में। भारत ने पाकिस्तान को हराया है फाइनल में।
बहुत बढ़िया दीपक पुनिया, शाबाश दीपक पुनिया, देश की शान बढ़ा दी है। ये गोल्ड मेडल निश्चित रूप से सबको प्रेरित करेगा, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं।